हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं डेली के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। दोस्तों आज थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूंगा, पर हम कल से पूरी कोशिश करेंगे कि सुबह ही आपको एडिटोरियल एनालिसिस दे दें। तो दोस्तों देखिए, आज चार पांच आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, ये एक आर्टिकल है, और आप फिर उसके बाद ये वाला एक आर्टिकल है, उसके अलावा ये एक आर्टिकल है प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस। इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वो एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, IR से रिलेटेड है, ये लाइफ इन प्लास्टिक, अभी कल आपने देखा हमने June 5 मनाया है, और ये रोल ऑफ द टू कंट्रीज़, ठीक है, द टेल ऑफ द टू कंट्रीज़ है। तो ये चार आर्टिकल हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, यही चार आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। तो पहला है दोस्तों आर्टिकल लाइफ इन प्लास्टिक। देखिए सबसे पहले 5 जून को हमने क्या मनाया है दोस्तों, हमने बनाया है अपना, ये राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, तो हमने 5 जून को दोस्तों हमने अपना ये एनवायरनमेंट डे मनाया है, ठीक है। तो ये एक मेजर कंसर्न क्यों था प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि दोस्तों देखिए अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इस बार की UN थीम थी बीट द प्लास्टिक, ठीक है, बीट द प्लास्टिक थी इस बार की थीम। ये आप देखिए थीम देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि ये कोई एम्प्टी स्लोगन नहीं होगा, हम इस पे ज़रूर काम करेंगे, वो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो उस पे काम किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बोला है कि हम स्टेप उठाएंगे और ये मोमेंटम होगा एक। सो सेंटर ने समवॉट लिबरल एस्टिमेट के लगाया है कि 60% जो 25,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक जनरेट होता है डेली वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब कोशिश ये होती है कि उसका अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट हो, ठीक है, पर एटलीस्ट 10,000 टन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो वेस्ट चला जाता है नदियों के साथ। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्रा जो मेघना रिवर सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड रिवर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कैरी करते हुए ओशन में लेके जाती हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दोस्तों रीजन ऑफ पैसिफिक में, ठीक है, वहाँ पे एक प्लास्टिक का पूरा एक मलबा ही क्रिएट होके ओशन में बह रहा था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वही हैं असली प्रॉब्लम, और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इशू हैं आजकल एग्जामिनर्स के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, और एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें वो, ठीक है। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम का इशू है। अब इसका सोल्यूशन देखिए अब क्राइसिस को कैसे टैकल करना है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक तो देखिए हमारी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद सेग्रीगेशन, प्लास्टिक फ्री जो सोशल इवेंट्स हैं इसके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों को ये चीज़ पता हो। अब सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए सेंटर ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, अब ये पुराना लॉ है जो एंटी पॉल्यूशन रूल्स इशू करता है, ठीक है। अब इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट लॉ में मुश्किल होता है दोस्तों, और वही नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये सेंट्रल वो CPCB का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो CPCB से आपको परमिशन चाहिए होती है दोस्तों। इस बार का आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो CPCB पे एक क्वेश्चन आ रखा है UPPCS प्री में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। और वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है डिसफंक्शनल अभी तक, उसको थोड़ा एक्टिव करना होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका पूरा पार्ट है ये पार्ट डील करता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं GS3 से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, GS3 में आपका ये पार्ट पूछा जा सकता है। और देखिए दोस्तों कई तरीके से पूछा जा सकता है, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए या हैजर्ड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आर्टिकल इस बारे में डिस्कस करता है दोस्तों कि लाइफ प्लास्टिक की क्या है और क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। इसके बाद देखिए दूसरा दोस्तों ये फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, ये आर्टिकल दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका मन हो तो आप रीड कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसमें ICICI बैंक की जो पोजीशन थी और ICICI बैंक में क्या हुआ, जो चंद्र उनकी हेड को रिमांड किया गया और ये सारी चीज़ें हुई, जो उनके हस्बैंड के ऊपर आरोप भी लगे कि न्यूक्लियर पावर की एक कंपनी है जिसको इन्होंने फंडिंग करी, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल इशू है और ये फेलियर ऑफ सिस्टम का है। तो IES वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल, जिनको इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना है। अदरवाइज एज अ UPSC एस्पिरेंट आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, और बस एक रीडिंग ही इसकी काफ़ी होगी दोस्तों, ठीक है, और ये नॉर्मल रीडिंग ही आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके बाद दोस्तों अगला आर्टिकल हम पेश करते हैं, अब ये
फैमिलियर मूरिंग, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ये IR से डिस्कस करता है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जो कि पेपर 2 में दोस्तों हमें पढ़ना होता है, ठीक है। सॉरी, देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पे गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। ये जो 3 देशों पे यात्रा पे गए, इससे पहले आपने देखा हमारी वुहान में भी एक समिट हुई, सोची में भी एक समिट हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, यहाँ पे एक चाइना के बारे में डिस्कस किया, या हम तो ये क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारा जो एक मकसद रहा है रिसेंटली, वो ये रहा है कि हम जो इंडियन ओशियन में दबदबा रहे वो हमारा रहे, ठीक है, कोई और हमें डोमिनेट ना करे। और जहाँ की देखा गया है पिछले कुछ सेंचुरीज़ में, पिछली लास्ट सेंचुरीज़ में अगर देखेंगे कि US बहुत डोमिनेट करता है, वो चाहे कोई भी एरिया हो। तो इंडिया ने रिसेंटली, इंडिया इसे इंडो पैसिफिक रीजन जैसे नाम दे रहा है कि ये जो रीजन है पूरा, इसे हमें डोमिनेट करना है, हम होंगे प्लेयर, ना कि हमारी कोई पॉलिसी कोई और डिसाइड करेगा, ठीक है। रिसेंटली आपने देखा है कि अगर कोई देश किसी एक देश की तरफ टिल्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उनकी पॉलिसीज़ भी प्रो US हो गई या प्रो USSR हो गई। हमारी जो पॉलिसीज़ थी 1991 से पहले, वो प्रो USSR थी, हमारी काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट पॉलिसी थी, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम यही करते थे, लेकिन हम नाम को भी तब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। बट आप रिसेंटली देखेंगे नाम की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रही है, अब नाम की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, नाम को इम्पोर्टेंस भी कम मिला है। इंडिया ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा अबॉलिश किया है, अबॉलिश इन द सेंस कि अपडिकेट की है अपनी पोजीशन, और नाम से हटके अब थोड़ा अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है, ठीक है। तो इसी के कंसर्न में ये सारी चीज़ें थी। अब ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करता है कि कोई इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड होना चाहिए, कोई डोमिनेट नहीं करेगा। और देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो इंडिया की पहली पोजीशन थी वो डिफरेंट थी, ठीक है, और अब जो है नाम की पोजीशन को करंट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है नाम को, इसलिए भी, और करंट गवर्नमेंट इंडिविजुअल नेशन में बिलीव रखती है कि हम एज ए इंडिविजुअल नेशन कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और कई सारी चीज़ें देखिए जैसे आसियान है, ठीक है, और मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि आप सिंगल, क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी एक सिंगल वे में चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आप पुराने में अगर ऐसा हुआ है तो हम नए में नहीं करेंगे इसको। जैसे देखिए लास्ट लाइन में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि शिफ्टिंग प्लेट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड फॉल्ट लाइन इन ऑफ हिस्ट्री। अब रिसेंटली आप देखिए आज की न्यूज़ में आप देखेंगे तो बाइंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट में आज ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो इक्विपमेंट है वो रशिया से भी लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सैंक्शन के डर से और कुछ लॉबिंग चल रही है, अभी कल की न्यूज़ में भी था ये, तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम करेंगे, और इसको आप डिटेल में द हिंदू से पढ़ेंगे, हमारे एडिटोरियल जो डेली एनालिसिस है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसका भी डिस्कशन चल रहा है अभी कि कैसे ये चीज़ें होनी हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। आजकल अभी हेल्थ पॉलिसी आ रखी है और 2.0 हेल्थ GDP की बात हो रही है, काफ़ी सारी बातें हो रही है। अभी ये रिसेंटली एक स्कीम भी लाई है, आयुष्मान भारत स्कीम जो आई है, तो हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है गवर्नमेंट का, तो इसलिए ये जो पूरा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आर्टिकल देखिए, यहाँ एक गवर्नमेंट ने बोला था कि एक एनुअल रिपोर्ट आएगा, वो जो स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन को बताएगा, ठीक है, जो डील करेगा स्टंटिंग से, माल न्यूट्रिशन से, और कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने ये सारी जो कमियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 26 मिलियन जो हैं वो वेस्टिंग से, क्या बोलते हैं, सफ़र करते हैं बच्चे। वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, जो हाइट हो लेकिन वेट कम हो, ठीक है, तो वेस्टिंग से सफ़र करते हैं। लेकिन दोस्तों 15.3 बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी से भी सफ़र करते हैं। तो अब यहाँ पे एक डिलेमा देख रहे हैं आप कि बच्चों को कम खाना भी मिल रहा है, और ऐसा भी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब वो ओवरवेट हो जा रहे हैं, ओबेसिटी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन कितने मिलने चाहिए कितने नहीं मिलने चाहिए ये नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम के बारे में ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देखिए 1980 से यहाँ पे डिस्कस हुआ, 1980 से 2015 तक जो ओबेसिटी है वो डबल हुई है चिल्ड्रन में और 3 गुना हुई है अडल्ट्स में, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, अब देखिए 2025 तक बोला जा रहा है कि 2 मिलियन चिल्ड्रन जो होंगे वो ओबेस हो जाएंगे, मतलब ओबेसिटी हो जाएगी। तो ये जो रिसर्च है और ये सारे ओबेसिटी से क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, ये हम सबको पता है कि ओबेसिटी से काफ़ी सारे डिजीज होने के डर रहता है और प्री मेच्योर डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच चाहिए हमें दोस्तों, कि बैलेंस किस तरीके का होना चाहिए कि ना बच्चे ज़्यादा ओबेसिटी में जाएँ, ना बच्चे ज़्यादा कम वेट के भी हो, वेस्टिंग भी ना होने।
अब इसके सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हुई है, और देखिए ये एक माना जा रहा है कि ये जो हम एक ड्राइव चला सकते हैं, क्योंकि ये साल यूएन भी काफ़ी फोकस कर रहा है ओबेसिटी एंड ऑल पे, और प्रॉपर मैल न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मैल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अब देखिए यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि दो राइटर ने दो सॉल्यूशन दिया, एक तो दिया है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है, जंक फूड के रिगार्डिंग, कि आप स्कूलों के बाहर और अराउंड, ठीक है, वो बैन होगा। दूसरा ये है दोस्तों कि लैंसेट की जो एक स्टडी आई थी उसमें बोला था कि हायर टैक्स लगा देने चाहिए आपको जंक फूड पे, तो बच्चे कम खाएंगे। एक और सोल्यूशन ये है दोस्तों कि क्या बोलते हैं, आप शुगर टैक्स ले लीजिए लोगों से, मतलब जो भी चीज़ें हायर टैक्स करेंगे आप उन चीज़ों पे जिस पे शुगर ज़्यादा है, जो फैट में रिजल्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इवन ये सारी चीज़ें तो खाने से रिलेटेड है दोस्तों, हमारी हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि हम कैसे हैं। आप कभी भी खा ले रहे हो, कोई टाइम नहीं है खाने का, और क्या बोलते हैं, मतलब हर हैबिट, सोने का कोई टाइम नहीं है, दिन भर टीवी के सामने बैठे बच्चे, तो ऐसे तो ओबेसिटी होनी ही होनी है, ठीक है। इसलिए ये पोजीशन यहाँ पे देखिए, और यही चीज़ें आगे भी डिस्कस कर रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल हार्डशिप है उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं सफ़र करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बताया गया है दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है कि अवेयरनेस कैंप होने चाहिए, मीडिया से मिलके आप अवेयरनेस फैला रहे हो इसके बारे में, ओबेसिटी के बारे में और वेस्टिंग के बारे में। दूसरा क्या है कि केयर और काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बताया जाना चाहिए कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, या सही तरीके से कैसे आपको करनी है, ठीक है। अब ये जो अप्रोच होगी, ठीक है, वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि होल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको सफ़र करवा रही है, इसलिए सारी सोसाइटी को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड, और ये आर्टिकल आपकी GS 3 में मदद करेगा, ठीक है, और पॉलिसी से रिलेटेड सारे इसमें डिसीजंस लिए जाने चाहिए जो भी हैं, वो हेल्प करेगा आपको। इससे आर्टिकल को आप डायरेक्टली नहीं, क्वेश्चन आते ऐसे आर्टिकल्स में, ऐसे में आपको ये डेटास पता होते हैं तो आप पुट इन कर सकते हो कहीं और, ठीक है, तो इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये है दोस्तों टेल ऑफ टू कंट्रीज आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, हमारा इंडिया और पाकिस्तान से रिलेशन में। देखिए हम दोनों आज़ाद एक टाइम पे हुए थे तो आइडेंटिकल ट्विंस थे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ था वो गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट चला गया था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। और देखिए ट्राजेक्ट्री ने इनका क्या हुआ, 1958 में आर्मी चीफ ने काबू पा लिया और आर्मी चीफ ने कंट्रोल ले लिया था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, हमारे यहाँ पावर डिफरेंट था, और इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू का हाथ है, ठीक है, राइटर कहते हैं। और बहुत ही, और एक चीज़ और इसमें बोली गई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूँ, देखिए जो कांग्रेस थी उसका जो कैडर था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बटा हुआ था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं था, पाकिस्तान के जो लोग थे, जो फॉलोअर्स थे, वो यहाँ थे या ईस्टर्न पाकिस्तान में थे, तो उस वजह से भी पाकिस्तान कनेक्टेड फ्रॉम थ्रू आउट द नेशन कनेक्टेड नहीं था, तो ये एक रीज़न माना जाता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। दूसरी चीज़, इस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ऑफ ऑफिशियल्स था, ठीक है, ऑफिशियल्स की वजह से क्या बोलते हैं उस लेवल से काम नहीं हो पा रहा था जिस लेवल से इंडिया में था, कि पॉलिटिक्स में ऑफिशियल्स नहीं है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन ही है, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, और उनका एक कैडर है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेमोक्रेटिक सेटअप मेंटेन रखना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मेहम रहा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रही है, इंडिया ने अडॉप्ट सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया था, उसकी गाइडिंग फिलॉसफी यही थी, ठीक है, और इंडिया ने ट्राई किया है कि वो धीरे 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 प्रॉब्लम जितनी भी हैं ये सारी, मतलब रिलीजन से रिलेटेड, वो सारी सॉल्व करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के साथ क्या है कि अब इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है, राइटर कहना चाहता है कि इंडिया में भी जो आर्मी है वो इंटरनल मामलों में भी बातें कर रही है, ठीक है, और स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा, तो ये सब के लिए ये आर्टिकल है। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए कि देश में एग्जैक्टली पोजीशन चल क्या रही है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा लास्ट आर्टिकल है दोस्तों, इसके बाद मुझे लगता है कि ये आर्टिकल ख़त्म हो चुके हैं, और हम मिलेंगे कल से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जल्दी आपको एडिटोरियल दे पाएँ। थैंक यू दोस्तों।